हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, माय नेम इज परवीन पिपल, वेलकम टू फर्स्ट फ्लाई क्लासेस। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के ऊपर, कि हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, आप मुझे एक सपोर्ट करेंगे, स्वीट सा सपोर्ट, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो लेक्चर पसंद आएगा तो आप उसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए कम टू द पॉइंट, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन। देखो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको बेटा क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्योंकि ये किसका टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और हमने पहले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड पर डिपेंड करती है, मींस लिविंग सोर्सेज पर डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, टू टाइप्स के मेनली, 100 में से मेनली 99% आपका कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या होता है, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे सपोज दैट, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आपने वन प्रोटोन लिया, फिर दूसरा प्रोटोन लिया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटोन। ठीक है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वन, एटोमिक नंबर इज वन। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का है। मान लीजिए सपोज दैट आपने लिया H2। ठीक है, H2 में एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, लेंगे और देंगे, यानी कि दोनों बराबर की शेयरिंग करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, ये तो आपकी केमिकली लैंग्वेज हो गई, लेकिन आपको इजी लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो कहने का मतलब है, हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट राहुल और करीना दो फ्रेंड है। ठीक है, राहुल और करीना दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मार्केट में जाते हैं, उनको एक बुक पसंद आती है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, बट राहुल के पास 50 रुपीज है और करीना के पास भी 50 रुपीज है। ठीक है, तो वो दोनों क्या कर लेते हैं, दोनों कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उस बुक को परचेज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो दोनों ने क्या किया, बराबर की शेयरिंग की, बराबर की साझेदारी की। इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। सिंगल कोवेलेंट इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल कोवेलेंट इट मींस डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ट्रिपल कोवेलेंट इट मींस ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसका आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में हम HH ले सकते हैं, H2। डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में हम O2 ले सकते हैं, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में हम NN ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, बिकॉज N एटॉमिक नंबर इज 5 एंड देन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 3 एंड देन ऑक्सीजन इन एटॉमिक नंबर इज 8, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 2। ठीक है, बट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे टाइप्स के हम बॉन्ड्स पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, इस टाइप्स के बॉन्ड पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें नहीं पढ़ना है। बस हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये पॉइंट्स लिखे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड इज हाइड्रोकार्बन। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे कंटेन टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स को कंटेन करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड देन ट्रिपल कोवेलेंट, एंड वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दैट क्लियर। अब इट मींस किस टाइप के 2 कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे कि गिवन वन एग्जांपल, कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड का हम कौन सा एग्जांपल से ले सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट एल्केन, एल्केन इज कंटेन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड। इज दैट क्लियर, ये आपको पता ही है। ठीक है ना, और इसका एल्केन क्या होते हैं ये हम इसी में लेक्चर में पढ़ेंगे आगे। एंड देन दूसरे बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं CH बॉन्ड। जब हम किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड्स में या साइक्लिक कंपाउंड्स में बॉन्ड पढ़ते हैं तो 2 टाइप्स की हम बॉन्ड पढ़ते हैं, या तो CH बॉन्ड बनता है C और H के बीच में, या फिर CC बॉन्ड बनता है, ये आपने देखा है। ठीक है ना, जैसे कि सपोज दैट आपने क्या किया, CH3 लिया। ठीक है,
और आपने सी एच के बीच में बॉन्ड बनाया। अब आपने क्या लिया, सी सी के बीच में बॉन्ड बनाया, जैसे कि एल्केन, ठीक है। तो इस टाइप के टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को ये शो करता है हाइड्रोकार्बन। मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इट मींस आप इसे ऐसे कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन डिवाइड बाय थ्री टाइप्स, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड मोर अनसेचुरेटेड। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट लीस्ट डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को किस तरीके से आइडेंटिफाइड करता है, क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड डेवलप होगा। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसी चीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए आप। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ चुका है। एल्केन आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन, ठीक है, और पैरा का मतलब है पैरम, इट मीन्स लिटिल, एंड एफिन इसका मतलब है एक्टिविटी। इट मीन्स, रिपीट अगेन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्केन्स आर कॉल्ड, ठीक है, पैराफिन। एल्केन को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, पैरा का मतलब कम, एफिनिटी का मतलब एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि लो या कम एक्टिविटी, यानी कि आपका एल्केन्स की एक्टिविटी क्या होती है, आपकी लो होती है, यानी कि लिटिल एक्टिविटी ऑफ एल्केन, इसका मतलब ये है। पैराफिन भी बोलते हैं एल्केन्स को। तो ये तो थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे उनको ही भूल जाते हैं। बच्चे सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि हाइड्रोकार्बन थ्री टाइप का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोर अनसैचुरेटेड। लेकिन ये आप ऑब्जर्व करना, जब आप नीट या आईआईटी का पेपर दोगे तो ये एज इट इज क्वेश्चंस आपको जो मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं रखे हुए मिलेंगे एग्जाम में आपके। और जो क्वेश्चन सीट्स प्रैक्टिस करते हैं आप, उसमें देखेंगे कि पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये कि एल्केन आपके हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स का कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं, विच टाइप ऑफ, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एंड देन सी एच बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन कि कंटेन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड एंड पैराफिन्स किसको बोलते हैं, एल्केन्स को पैराफिन बोलते हैं, पैरा का मतलब कम एंड देन एफिनी का मतलब कम एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हाइड्रोकार्बन के, आप इसको नोट करिए, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, अब हम इसको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, किस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो हाइड्रोकार्बन बेटा थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट आपका जिसको आप बोलते हो क्या, एल्केन, ठीक है, एल्केन को बेटा हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड भी बोलते हैं, सैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा रही हूं, और ये पॉइंट टू पॉइंट एग्जिट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया सपोज दैट एल्केन, ठीक है, इनको सैचुरेटेड भी बोलते हैं, कंटेन बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गया, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, यहाँ पे सीसी बॉन्ड है, ठीक है, एल्केन हमेशा कार्बन कार्बन टू बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे ऑल बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड। ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है कंपेयर टू डबल एंड पाई ट्रिपल। और क्यों उससे स्ट्रांग होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा होता है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं आपकी, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन देते हैं, ये हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स फंडामेंटल में। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोर टाइप्स की रिएक्शन स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन एंड देन रीअरेंजमेंट। इलिमिनेशन रिएक्शन भी टू टाइप की होती है, अल्फा बीटा एंड गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज एल्केन, ठीक है, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2, ठीक है, एंड देन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आप इसको बोलते हो। दूसरा आपका एल्कीन, ठीक है, ये आपका एल्कीन है, कंटेन्स बिटवीन डबल बॉन्ड, ठीक है, आप एंड देन इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड भी बोलते हैं, अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। यहां पे ये वाला पॉइंट मैंने नीचे लिख दिया या ऊपर लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे वन पाई एंड वन सिग्मा एंड सिग्मा एंड सिग्मा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा नीट और आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा, हाउ कैन दी कैलकुलेटेड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अगर एल्कीन का कोई स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो वन पाई होता है और थ्री सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और पाई बॉन्ड हमेशा वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। और ये क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं आपकी। अब आते हैं हम एल्काइन पे, ठीक है। एल्काइन्स क्या होते हैं, कंटेन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, आपके यहाँ पे तीन सिग्मा होंगे और दो पाई बॉन्ड होंगे, कंपेयर टू ये और भी ज्यादा वीक है। इसको हम बोलते हैं मोर अनसेचुरेटेड, मोर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। एंड देन जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो ये था कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है, देखिए सैचुरेटेड का मतलब क्या है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में समझो। मान लो सपोज दैट आपकी फेवरेट डिश रखी है, ठीक है, वृद्धि को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, ठीक है, मम्मी ने वो किचन में लॉक करके रख दिए हैं और नहीं दे रही हैं। मम्मी जैसे ही गई, वृद्धि ने किचन का लॉक खोला, फटाफट से गुलाब जामुन खा लिए, ठीक है। फिर मम्मी ने उसको और गुलाब जामुन दिए, फिर क्या वो खा सकती है, नहीं खा सकती। सैचुरेटेड का मतलब होता है, इट मीन्स स्टेबल, यानी कि संतृप्त, यानी कि जिस चीज के लिए आप कंप्लीटली स्टेबल हो उसको आप दोबारा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये स्टेबल है बिकॉज इसमें ऑल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और पैराफिन होते हैं, ठीक है ना। एंड देन एल्केन अनसेचुरेटेड एंड देन मोर अनसेचुरेटेड, ये और भी इससे थोड़ा कम है और ये सबसे ज्यादा है, मोर अनसेचुरेटेड, इसीलिए हमने इसको बोला है, ठीक है ना। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये आपका एडिशन रिएक्शन देते हैं, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। और कभी भी हम कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो ये था आपका हाइड्रोकार्बन। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है और इसके कम से कम आपने 30-40 क्वेश्चन आपने हाइड्रोकार्बन के कर लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नीट और आईआईटी में पूछे जाते हैं, और वो हम आपको जो हमारे नीट आईआईटी के बैचेस हैं वहां पे पता चलेगा किस टाइप्स के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, कल इससे आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, ताकि और भी बच्चे ये वीडियो लेक्चर्स देखते रहें। और कोई भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मेरे नंबर पर कॉल करिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं।